तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आपका चैनल अभय प्रताप 76 में आपका स्वागत करता हूँ नए ब्लॉग के साथ। आज मैं फरकाबाद में हूँ। यहाँ बहुत ज़ोरों से आलू की ग्रेडिंग चल रही है। आओ आपको दिखाते हैं कैसी क्या ग्रेडिंग होती है। चलो मिलेंगे खेत पे। देखो दोस्तों, ये ग्रेडिंग हो रही है। ये पैकेट लगे हुए हैं। यहाँ पूरी ग्रेडिंग करके कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। देखो, ये कटा और हरा आलू निकाल देते हैं इसको, क्योंकि ये है कोल्ड में चला जाएगा तो पैकेट और आलू ख़राब होने का डर रहेगा। देख सकते हो, ये ख़राब और हरा हुआ आलू है। ये ग्रेडिंग किए हुए पैकेट लगे हुए हैं। देखो ग्रेडिंग चलती हुई। इस साल ताबड़तोड़ को लोग कोल्ड में स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा, इसलिए वो बेच नहीं रहा, कोल्ड ही कोल्ड में डाल रहा है। आगे देखो क्या रहेगा, ये किसी को नहीं पता। देखो ग्रेडिंग होती हुई। ये आलू कुफराज का है। ये देख सकते हो आप, कितना साफ सुथरा आलू है, कोई रोग भी नहीं है। पीला आलू काफी अच्छा, काफी सुंदर आलू। देखो ये सामने भी ढेर लगा हुआ है, इसकी भी ग्रेडिंग होनी को है। ये सब स्टोरेज ही होगा आलू। आओ आपको ये भी दिखाते हैं ढेर। देखो इसकी भी ग्रेडिंग होनी को है। आदमी इस साल बिल्कुल मजबूर है, इसलिए जो है वो ग्रेडिंग करके सीधे कोल्ड स्टोरेज में कर रहा है। आप देख सकते हो, ये देखो सामने जो खेत में लगे हुए हैं पैकेट, ये सारा कोल्ड में ही जाएगा। ये सामने जो लगे हुए हैं किसान अपने पैकेट को संभालते हुए, ये सारा स्टोरेज करेंगे कोल्ड में। ये सारे पैकेट लगे हुए हैं, सब जाएंगे कोल्ड में। ये देखो दोस्तों, ये ढेर झपा हुआ है दूसरे का खेत का, इसकी भी ग्रेडिंग होने की है। ये 37-97 है, इसकी भी ग्रेडिंग होने को है। धीमे धीमे चल रही है इसकी सफाई, बहुत ज़ोरों से चल रही है। ये फरकाबाद का है, फरकाबाद में इतनी ताबड़तोड़ खुदाई चल रही है और अच्छा खासा प्रोडक्शन पैदावार इस साल देखने को मिल रहा है। बम्पर पैदावार है इस साल। अब समय को तो नहीं जान सकते क्या होने वाला है। देखो किसान लगे हुए हैं बेचारे ग्रेडिंग करते हुए। देखो दोस्तों, ये ढेर लगा हुआ, देखो ये भी काफी साफ सुथरा है, अच्छा आलू है।
इसकी भी ग्रेडिंग होने को है, ये सारा कोल्ड स्टोरेज में ही जाएगा। ये देखो दूसरे खेत की ग्रेडिंग चलती हुई, ये सब स्टोरेज होगा आलू। ये 37-97 है ये आलू। काफ़ी साफ सुथरा है और अच्छा भी है। देखो सारे पैकेट लगे हुए हैं, ये सारे कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे। ये खराब और कटा फटा और जो है घुया ये सारा निकाल दिया जाता है।